So dear students, now we are going to see what is reciprocity in terms of H parameters for a two-port network. Two-port network की reciprocity हम check करेंगे, reciprocity condition हम check करेंगे in terms of H parameters. ठीक, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं Z parameters और admittance parameters में, तो हम यहाँ पर भी वही procedure अपनाएंगे. ये टू पोर्ट नेटवर्क है, इसकी ये पोर्ट वन है, ये पोर्ट टू है. वी वन और आई वन पोर्ट टू की क्वांटिटीज हैं, वी टू और आई टू पोर्ट सॉरी वी वन और आई वन पोर्ट वन की, और वी टू आई टू पोर्ट टू की क्वांटिटीज हैं. इन दोनों की गवर्निंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर्स ये लिखी हुई है, यहाँ तक आप जानते हैं. हमको क्या करना है, हमको रेसिप्रोसिटी चेक करने के लिए जो करना है वो ये करना है कि जो ये टू पोर्ट हैं इसमें एक वक्त में एक पोर्ट को हम शॉर्ट कर देंगे और एक पोर्ट पर हम एक वोल्टेज दे देंगे जिसको हम अक्सर VS कह देते हैं. ओके, यहां पर एक करंट फ्लो करने लगेगा I1, क्योंकि ये पोर्ट शॉर्ट की गई है तो यहां पर करंट तो एग्जिस्ट करेगा I2 इनसाइड द नेटवर्क है. यहां पर जो आउटपुट करंट है वो मैं लिख लेता हूं I2 डैश. ओके, लिख सकते हैं. और यहां पर V2 कितना है, V2 यहां पर जीरो हो चुका है. देखिए यहां पर VS किसके बराबर है, VS V1 के बराबर है, I1 भी एग्जिस्ट कर रहा है. यहां पर I2 डैश किसके बराबर है, I2 डैश बराबर है माइनस ऑफ I2, या I2 बराबर है माइनस ऑफ I2 डैश के, ऐसा हम लिख सकते हैं. V2 किसके बराबर है, V2 जीरो के बराबर है. अब इन वैल्यूज को इन दोनों इक्वेशंस में पुट करते हैं हम एक साथ, तो पहली इक्वेशन मॉडिफाई कैसे हो जाएगी. मैं इसको प्रॉपर डेरिवेशन के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे कई डेरिवेशन करा चुका हूं, तो इसलिए आप उसके साथ इसको समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए. तो पहली इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहा हूं, वी वन की जगह मैं लिख दूं वी एस इज इक्वल टू एच वन वन होगा, यस होगा, क्योंकि आई वन एग्जिस्ट कर रहा है, एच वन वन आई वन. एच वन टू होगा क्योंकि वी टू जीरो हो चुका है तो इस टर्म को लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये इतनी रह जाएगी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन इज आई टू, आई टू की जगह मैं माइनस आई टू डैश लिख दूं, ये कॉमा भैया यहां का है, ठीक है, मैं क्या लिख दूं माइनस आई टू डैश. ओके, देखिए आई टू और आई टू डैश दोनों अलग अलग करंट है, इनके डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ये बात याद रखिएगा. ये पहली टर्म एग्जिस्ट करेगी, यस करेगी, H21 और I1, बात समझ में आ गई. दूसरी टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि यहां पर V2 है और V2 जीरो हो चुका है. ओके, अब रेसिप्रोसिटी में हम क्या करते हैं कि जो हमने इनपुट दिया है डिवाइड कर देते हैं उसको रिस्पांस से, और रेस्पॉन्स जो होता है बेसिकली शॉर्ट सर्किट करंट होता है. ठीक, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं वी एस अपॉन आई टू डैश और निगेटिव साइन, ठीक, निगेटिव साइन था इसके साथ हमने लगा दिया. आई वन से कैंसिल हो जाएगा, एच वन वन अपॉन एच टू वन, दिस इज सो. नाउ व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट इज आई टू डैश नॉट माइनस आई टू डैश. तो ये जो माइनस है अगर मैं इसको यहां लिख दूं, इसको यहां से मिटाकर मैं यहां लिख दूं, कोई परेशानी नहीं, इक्वेशन एक कंडीशन हमारी बन गई एक ऑपरेशन से. अब हम सेम ऑपरेशन दूसरी पोर्ट पर करते हैं, यानी पहली पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और दूसरी पोर्ट पर हम एक वोल्टेज, सेम वोल्टेज वी एस देते हैं. बात समझ में, ये वोल्टेज दोनों बार सेम रखना है, अलबत्ता यहां जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम आई वन डैश कहते हैं और आई वन को हम सेम डायरेक्शन में बनाते हैं जैसा वो होता है. वी एस लगाया है तो यहां पर आई टू तो एग्जिस्ट करेगा. अब हम क्वांटिटीज लिख लेते हैं, यहां पर वी वन कितना है, जीरो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है. आई वन की वैल्यू कितनी है, आई वन की वैल्यू है माइनस आई वन डैश. ओके, यहां पर वी टू कितना है, वी टू है वी एस के बराबर और आई टू भी एग्जिस्ट कर रहा है. अब इन क्वांटिटीज को या इन वैल्यूज को इक्वेशन वन में इंप्लीमेंट करिए, सिर्फ इक्वेशन टू की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी. V1 किसके बराबर है, V1 बराबर है जीरो के, जीरो लिख दिया, इज इक्वल टू H11 I1. क्या ये टर्म एग्जिस्ट करेगी, यस करेगी, क्योंकि I1 एग्जिस्ट कर रहा है
I1 की जगह मैं माइनस I1 डैश लिख दूंगा। ध्यान से देखिए, I1 की जगह मैंने माइनस I1 डैश लिख दिया। H12 V2, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? V2 यहां पर है Vs के बराबर, यस करेगा। तो प्लस H12 Vs, बात समझ में आ गई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं H12 Vs, सॉरी Vs इज इक्वल टू H11 I1 डैश, इसको ऐसे लिख सकता हूं। व्हाट इज दिस Vs? Vs इज इनपुट, क्योंकि ये हमने दिया है पोर्ट टू पर, और रिस्पांस क्या है? I1 डैश। तो इनपुट या एक्साइटेशन डिवाइडेड बाय रिस्पांस करूंगा मैं। तो अगली इक्वेशन में लिखता हूं Vs अपॉन I1 डैश इज इक्वल टू H11 अपॉन H12। ओके, आप ध्यान से देखिए इन दोनों, ये जो बॉक्स में इक्वेशंस बनी हुई हैं दोनों को, अभी तक हमने ये नहीं कहा है कि ये रेशियो बराबर होंगे, ना हमने ये कहा है कि ये नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क है। हमने सिर्फ क्या किया है कि जो इनपुट दी थी, एक्साइटेशन दिया था पोर्ट टू पर, और पोर्ट वन के रेस्पॉन्स का रेशियो निकाला। बात समझ में आई? ये वी एस नहीं है, ये V2 मैंने गलत लिख दिया, ये Vs है। ओके, Vs डिवाइडेड बाय I2 डैश किया था, ये पहले से गलत लिखा हुआ था, इसको नोट करके सही कर लीजिएगा। ये रेस्पॉन्स दिया था, सॉरी ये एक्साइटेशन दिया था पोर्ट वन पर, ये पोर्ट टू का रेस्पॉन्स था। तो एक्साइटेशन डिवाइडेड बाय रेस्पॉन्स, एक्साइटेशन रेस्पॉन्स का रेशियो ये आया था। जब मैंने यही प्रोसीजर पोर्ट्स बदल कर किया तो एक्साइटेशन वर्सेज रेस्पॉन्स का रेशियो ये आया। अगर मैं ये कहता हूं कि ये नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो मुझे इन दोनों रेशियोस को बराबर लिखना होगा। तो मैं कहता हूं लेट दिस टू पोर्ट नेटवर्क इज ए रेसिप्रोकल नेटवर्क। मैंने ये मान लिया कि ये रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो ये दोनों रेशियोज बराबर हो जाएंगे। ओके, तो मैं बराबर लिखूंगा माइनस एच वन वन अपॉन एच टू वन। ये पता नहीं आपको यहां दिखेगा या नहीं, मैं इसको इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देता हूं। यहां लिख रहा हूं माइनस एच वन वन अपॉन एच टू वन इज इक्वल टू एच वन वन अपॉन एच वन टू। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी H12 विल बी इक्वल टू माइनस H21। बात समझ में आई? अगर मैंने ये कहा कि ये रेसिप्रोकल है तो कंडीशन ये आ गई, दिस इज द कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर्स फॉर ए टू पोर्ट नेटवर्क। अगर रेसिप्रोकल नेटवर्क मान लूंगा तो कंडीशन ये आ जाएगी, या ये कंडीशन हो पहले से तो इसका मतलब ये नेटवर्क कैसा होगा? रेसिप्रोकल नेटवर्क होगा। तो H12 और H21 दोनों का रेशियो माइनस वन के बराबर होगा। ओके, सो दिस इज सो, इसको नोट कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए प्रॉपर तरीके से। थैंक यू।